तो जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज के इस डेट में आपको सबको पता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम्स बहुत नियर हैं, बिल्कुल सिर पे आ गए हैं और सभी बच्चे चिंतित होंगे। सबको चिंता होगी कि एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सिर पे हैं और बहुत थोड़ा सा समय बचा है। हालांकि सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से ठीक तैयारी की है, कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ वीक भी हैं, हर तरीके के बच्चे हैं। तो उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से स्टडी की होगी और आपके स्कूलों में कोर्स वगैरह जो हैं आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, लेकिन एग्जाम की चिंता हमेशा रहती है कि नहीं? सबको चिंता रहती है, बच्चों को भी चिंता रहती है और टीचर्स को भी रहती है कि हमारे बच्चे सभी पास हो जाएं और अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छा स्कोर करें। ये चिंता बच्चों को भी रहती है, पेरेंट्स को भी रहती है और टीचर्स को भी रहती है ना? हाँ, तो इसीलिए अब चूंकि 20-25 दिन बचे हैं, ओनली 25 डेज हार्डली लेफ्ट, ये मान लो एक महीना, मान लो 30 डेज है, हार्डली लेफ्ट विद 30 डेज। अब उसमें जो आपने पढ़ा है उसको सम अप कर लेंगे, उसको रिवीजन करना है और फास्ट रिवीजन करेंगे हम। तो मैंने आपके लिए 30 दिन का एक शॉर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें बच्चों को एग्जाम पेपर में जो आता है उसके हिसाब से सही तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और उनका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, अधिक से अधिक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपका 30 डेज का लगभग सेशन होगा और डेली एक क्लास आपको मिलेगी। एक क्लास में रिकॉर्डिंग करके दूंगा आपको, एक क्लास में आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और उसको अधिक से अधिक मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आएं और हमारे पेरेंट्स का, हमारे गुरुजनों का और हमारा नाम ऊंचा रहे, कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। तो ये सभी बच्चे चाहते हैं ना? तो जो भी आपने अब तक सीखा है, जो भी पढ़ा है, उसमें ये जो सेशन है ये और बूस्ट करेगा उसको और बढ़ाएगा, उसको और अधिक शक्ति देगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपको ये वादा करना है, प्रॉमिस करना है कि आप डेली सेशन अटेंड करेंगे, डेली स्टडी करेंगे, नियम से करेंगे, कोई दिन छूटेगा नहीं, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप लापरवाही देंगे, ठीक से नहीं पढ़ेंगे, केयरफुली जो आपको सिखाया जा रहा है वो आप नहीं सीखेंगे, नोट नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप नुकसान चाहते हैं अपना, फायदा चाहते हैं या नुकसान चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको अगर इसका बेनिफिट उठाना है, इस क्लास का लाभ उठाना है, तो इस क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिए और अपना नोटबुक साथ में लेके बैठिए, ऐसे मत बैठिए मोबाइल लेके या लैपटॉप कंप्यूटर लेके, ऐसे मत बैठिए, अपना नोटबुक लेके बैठिए और जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको समझिए, नोट कीजिए, ठीक है ना? तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी बच्चे जानना चाहेंगे। तो अभी जो हाफ ईयरली में आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा हुआ पेपर का पैटर्न, लगभग वही पैटर्न बोर्ड में भी आता है, लेकिन अब भूल गए होंगे, बहुत समय हो गया, बच्चों को लग रहा है कि अभी हाफ ईयरली हो गया, अभी स्टडी नहीं की होगी तो भूल गए होंगे। दोबारा से ये रिवीजन हो जाएगा और ये क्विक रिवीजन होगा, जल्दी से रिवीजन होगा, जिससे आपका एग्जाम से पहले पहले पूरा रिवीजन हो जाए। तो सभी रेडी हैं? आर ऑल ऑफ यू रेडी टू स्टडी डेली एवरीडे? तो डेली पढ़ना है, ठीक है, और कोई क्लास मिस नहीं होगी। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसको मिस नहीं करना और पूरा अटेंड करना है, बीच में छोड़ के नहीं भागना, और नोट डाउन जरूर करते रहना, तो पूरा फायदा मिलेगा।
अब आइए डिस्कस करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर का पैटर्न जो है, फर्स्ट जो सेक्शन आपका आता है वो होता है रीडिंग सेक्शन आता है। रीडिंग सेक्शन आता है उसको बोलते हैं पार्ट वन रीडिंग सेक्शन। उस पार्ट वन में एक आपको पैसेज दिया रहता है, अनसीन पैसेज होगा, अपठित पैराग्राफ होगा। अनसीन पैसेज में से आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनको अटेम्प्ट करने हैं, उनके सही आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो पैसेज को समझने के लिए उसको आप केयरफुली रीड करना होता है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन, क्योंकि इतना टाइम रहता है, बहुत टाइम रहता है, आराम से उसको ध्यान से पढ़िए। एक बार पढ़िए, दूसरे बार फिर पढ़िए, और दूसरे बार जब दोबारा फिर पढ़ेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्लू होते हैं, उनको अंडरलाइन करते चलिए पेपर पे, वहीं पे अंडरलाइन करिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसी पैराग्राफ में अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें पैराग्राफ में क्या बताया गया है, क्या मैसेज दिया गया है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है इसमें। दो बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके फिर ऑप्शन भी दिए रहते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे, तो उस चार ऑप्शन में भी एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको फिल करना है। ठीक है, या तो टिक करना है, ओएमआर शीट में टिक करना होगा, वो गोल करना होगा, राउंड उसको फिल करना होगा, गोला करना होगा ओएमआर शीट में। और ओएमआर शीट वाला नहीं है, अगर दूसरा टाइप का है तो फिर उसमें आंसर लिखना होता है अलग से, वो अलग उसमें से आएगा, लिटरेचर पार्ट में आता है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो आता है रीडिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ये ओएमआर शीट वाले होते हैं, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे रीडिंग सेक्शन से। तो मैं कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, जो बोर्ड में आ चुका है एक बार, बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल आया था, ये वही पैराग्राफ है, उसको आप समझेंगे, एक बार समझिए और देखिए कि कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं और कैसे अच्छे नंबर आप ला सकते हो और कैसे सही आंसर दो और कैसे अच्छे नंबर आ सकते हैं। स्टार्ट करें, नोटबुक ले लीजिए अपना, पेन नोटबुक लेके बैठिए, नोट भी करना है और सीखना भी है। आइए पढ़ते हैं इसको एक बार, डायरेक्ट में पढ़ते हैं। ये लिखा है पार्ट वन, तो पार्ट वन में ये पार्ट ए है, वन होगा या ए हुआ जो भी लिखा हुआ पेपर में, तो पार्ट ए लिखा रहता है। और यहाँ पे डायरेक्शंस लिखे होंगे, ठीक है, जैसे पेपर आपके हाथ में आएगा तो डायरेक्शंस इस टाइप के लिखे होंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब जो ये ऑप्शन दिए रहते हैं, ये देखो, ये है ना, ये लिखा है ना क्वेश्चन नंबर वन, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर वन है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। इसको जब आप ठीक से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो इसका ऑप्शन निकालने में आसानी हो जाएगी। देखिए, अब इसको स्टडी कर लेते हैं, पैसेज को रीड कर लेते हैं। इट इज नॉट लक, इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन। ये लक नहीं है, भाग्य नहीं है, लक मीन्स भाग्य, ये भाग्य नहीं है, बट लेबर, लेबर तो मेहनत है, दैट मेक्स अ मैन, जो इंसान को बनाती है, इंसान को सफलता दिलाती है, जो इंसान को सफल बनाती है। इंसान का जीवन कौन बनाता है? लक नहीं बनाता है, भाग्य नहीं बनाता है, बट लेबर, उसका मेहनत, उसका जो परिश्रम है वो उसको बड़ा बनाता है, भाग्य नहीं बनाता है। एक लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। लक सेज एन अमेरिकन राइटर, लक के बारे में एक अमेरिकन राइटर, मतलब लेखक, ठीक, एक अमेरिका के लेखक हैं, वो लक के बारे में कहते हैं कि लक इज एवर वेटिंग, वेटिंग माने इंतजार करता रहता है, लक के चक्कर में आदमी हमेशा
भाग्य होगा तो हो जाएगा, भाग्य नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। तो भाग्य के चक्कर में लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं और भाग्य के भरोसे हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाते हैं। सो इज एवर वेटिंग, लक इज एवर, एवर माने ऑलवेज। तो जो लक पे आदमी डिपेंड करता है, लक हमेशा वेट करता है, इंतजार ही करता रहता है फॉर समथिंग टू टर्न अप, कि कुछ हो जाएगा, कुछ अपने आप ही हो जाएगा। समथिंग माने कुछ, टू टर्न अप, कुछ बड़ा अपने आप ही हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा तो अपने आप ही हो जाएगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी सोच के बैठ जाता है और भाग्य के भरोसे बैठा रह जाता है, और ऐसा आदमी पिछड़ जाता है, फेल हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, लक और लेवर का, लेवर विद कीन आईज, लेकिन लेवर क्या करता है, लक वाला तो क्या करेगा, बैठ जाएगा आराम से, हाथ पैर धर के वेट करेगा कुछ हो, भाग्य कुछ बदले हमारा। लेकिन जो लेवर वाला है, मेहनत वाला परिश्रमी आदमी, वो क्या करेगा, विद कीन आईज। कीन कैसी होती है, बाज होता है, बाज या शिकारी पक्षी होता है, उसकी आंखें कैसी होती, कीन होती, शार्प, तेज, उसकी नजरें तेज होती है, कीन मतलब तेज नजर है, कीन आईज। तो जो मेहनत करने वाला होता है उसकी नजरें भी तेज होती हैं, वो सुस्ती में नहीं बैठा होता, अलर्ट रहता है, वो तेज रहता है, उसकी नजरें तेज होती हैं, एंड स्ट्रांग, उसकी आईज कैसे होती हैं, कीन होती हैं, और स्ट्रांग विल। विल माने क्या होता है यहाँ, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति उसकी कि ये काम मुझे करना ही करना है, उसकी इच्छा स्ट्रांग होती है, विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, आंखें उसकी शार्प होती हैं, आंखें तेज होती है, और इच्छा शक्ति उसकी स्ट्रांग होती है, विल पावर स्ट्रांग होती है। ऑलवेज ऑलवेज टर्न अप समथिंग, ये टर्न अप क्या है, बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देता है, मतलब सफलता को और वो बढ़ा देता है। समथिंग माने किसी चीज को, कोई भी चीज के हाथ में, उसमें और वृद्धि कर देता है, वो बढ़ा देता है। अगर आप मेहनत करोगे, अलर्ट रहोगे हमेशा, आंखें आपकी चौकन्नी रहेंगी, तो आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ोगे। इतना समझ में आ गया? लक लाइज इन बेड, लक लाइज इन बेड, लक जो है वो बेड में पड़ा रहता है, रजाई ओढ़ के आराम से लेटा रहेगा, लक वाला, लक के वो जो डिपेंड है वो बेड, मतलब रेस्ट करता रहेगा। जो लक पे आदमी डिपेंड है, जो भाग्य को मानने वाला, वो बेड में पड़ा रहेगा, लाइज माने लेटा रहता है। एंड विश इज द पोस्टमैन, और विशेष माने इच्छा करता है, द पोस्टमैन, कि कोई पोस्टमैन आएगा और वो क्या लाएगा, विल ब्रिंग हिम अ न्यूज ऑफ लीगेसी। पोस्टमैन कोई न्यूज लाएगा हमारे लिए, चिट्ठी लाएगा, है ना, टेलीग्राम लाएगा पोस्टमैन, कि तुम्हारा तुम्हारा भाग्य खुल गया, लॉटरी लग गई है तुम्हारी, लीगेसी मीन्स तो विरासत, कुछ धन माया मिल गई है, तो पोस्टमैन आप, हम आपको बताएगा, हमें आके बताएगा कि हमें कुछ लीगेसी या विरासत मिल गई है। जब हम जानेंगे, जब हम जगेंगे, तो लक वाला तो ऐसा सोचता है, जो लक पे डिपेंड करता है, वो एक तो लेटा रहेगा, सोचेगा कि पोस्टमैन आएगा, मुझे सूचना देगा, न्यूज़ देगा कि आपकी लॉटरी खुल गई है, आपका भाग्य खुल गया, आपको कुछ खजाना मिल गया है। लीगेसी माने खजाना, दौलत, धन, दौलत या विरासत। लेकिन लेबर क्या करता है, एक तरफ तो लक है, लेकिन लेबर क्या करता है, लेबर टर्न्स आउट एट सिक्स। जो लेबर करेगा आदमी, वो 6 बजे उठ जाएगा, उससे पहले ही बिस्तर छोड़ देगा, तो जो बाहर निकल आएगा वो, ठीक है, एट सिक्स, एंड विद बिजी, और बिजी हो जाएगा, किसमें बिजी हो जाएगा, या तो उसके हाथ में पेन होगा एंड रिंगिंग हैमर, और या तो अगर आदमी एजुकेशन लाइन में है या पढ़ने लिखने वाला काम करता है, तो उसके हाथ में सुबह सुबह पेन होगा, अपना टूल होगा, हथियार उठा लेगा, तो उसका टूल क्या होता है, स्टूडेंट का टूल क्या होता है, पेन होता है। लेकिन जो लेबर है उसका हैमर, हथौड़ा, और जो हथौड़ा बजाता होगा, तो 6 बजे उठ के जो आदमी है, जो लेबर है, मजदूर है, हार्ड वर्कर है, वो हथौड़ा लेके अपने निकल जाएगा काम पे, अपने हथियार लेके, टूल लेके, उपकरण लेके निकल जाएगा, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके हाथ में पेन और कॉपी आ जाएगी, वो लिखना पढ़ना शुरू कर देता है। तो रिंगिंग हैमर लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस,
फाउंडेशन माने क्या होता है? नींव। नींव जो होता है, नींव होती है जिससे मकान बनता है, आधारशिला होती है, वो फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस होता मेहनत या प्रतियोगिता। तो वो उसकी प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है, उसकी मेहनत में शामिल हो जाता है ना? तो उसके अंदर अपनी क्षमताएं बढ़ाता है वो। तो मेहनत करना वाला आदमी होता है वो अपने अपने फील्ड में क्षमता बढ़ाता है। फाउंडेशन तो क्षमताएं जो होती हैं उसकी नींव रखता है वो, उसको स्ट्रांग करता है, अपनी शक्ति को मजबूत करता है, उसकी नॉलेज है या उसका वर्क है उसको मजबूत करता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। ये अंतर है लक वाले में और लेबर वाले में। अगर समझ, लक वाइंस। लक जो है हमेशा, वाइंस माने शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, चीखता रहता है, अरे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हुआ। तो लक पे डिपेंड करता, वो कुछ नहीं करेगा, रोता रहेगा, दर्द के मारे रोएगा, शिकायत करेगा। बट लेबर वॉचेस। लेकिन लेबर जो है वो वॉच करता है, वो सिचुएशन देखता। कीन आईज होती है उसकी, लेबर वाले की, मेहनत करने वाले की आईज कैसी होती है? कीन होती है, आंखें होती हैं तेज। वो सोचता है, मौका देखता है कि मुझे मौका कब मिले आगे बढ़ने का, मैं आगे बढ़ूं। तो वो देखता है सिचुएशन को, देखता है। और जो लक वाला है, जो लक पे डिपेंड करता है, वो रोता रहता है, शिकायत करता रहता है, चीखता रहता है। लक रिलाइज ऑन चांस। रिलाइज माने विश्वास करता है, डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है चांस पे। वो चांस, लक वाला जो आदमी होता है, भाग्य वाला, जो भाग्य को मानता है, जो भाग्य के भरोसे तो होता है, बोलता है चांस से मिलेगा तो कर लेंगे। बहुत से होते हैं कि मौका मिलेगा तो कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बोलते हैं अरे देखेंगे, पास है ही आएंगे, ऐसे सोचते हैं ना। ऐसा नहीं है, पास हो ही जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लक इसमें साथ मिलेगा। तो लक रिलाइज ऑन चांस, लक चांस के भरोसे रहता है, मौका भी। लेबर ऑन कैरेक्टर। और लेबर क्या करता है? जो लेबर मेहनत करने वाला आदमी है, मेहनत कश आदमी, वो क्या करता है? वो अपने अपने क्षमता को बढ़ाता है, अपने व्यवहार को अच्छा रखता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, अपने व्यवहार को ठीक रखता है और आगे बढ़ता रहता है। करेक्टर को अपने को सही रखता है, वो जो उसको करना चाहिए वो काम ठीक से करता है वो। ये अंतर है। लक लक क्या करता है? लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स। स्लिप मतलब फिसल जाना, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। लक जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है। लक जो लक के भरोसे बैठा हुआ आदमी, भाग्य के भरोसे वो नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। टू सेल्फ इंडल्जेंस, और अपने में ही खोया रहेगा वो, उसे किसी से कोई मतलब, लक के ऊपर है वो खुद में ही खोया रहता है और डाउन चला जाता है वो आदमी। लेकिन लेबर स्ट्राइड्स, स्ट्राइड मतलब ऊपर उठना, मेहनत करना, स्ट्राइड अपवर्ड्स मतलब ऊपर उठने के लिए वो कोशिश करता है कि जहां वो है अभी नीचे है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, पोजीशन से ऊपर उठने की कोशिश करता है। लेबर वाला जो लेबर है, लेबर करने मेहनत करने वाला है, वो स्ट्राइड्स अपवर्ड्स एंड इंस्पायर्स। इंस्पायर मतलब आगे बढ़ने के लिए सीखता है, प्रेरणा लेता है, ठीक है, गेट्स इंस्पिरेशन, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता है। कौन? लेबर वाला। टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, गरीबी से, दुखों से, मुसीबतों से मुक्त होना चाहता है वो, फाइट करके मतलब मेहनत करके आगे मुक्त होना चाहता है वो, इंडिपेंडेंट होना चाहता है यानी स्वतंत्र होना चाहता है, कि उसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, उसके पास इतना सब कुछ हो, साधन हो, सारे साधन हो, इसलिए वो मेहनत करता है, समझे। द कन्विक्शन देयर फोर इज, ये क्या कन्विक्शन क्या है? विश्वास, मान्यता, लोगों की मान्यता हुई, दृढ़ विश्वास हुआ है लोगों के अंदर। देयर फोर माने इसलिए है कि एक्सटेंडिंग दैट डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? हार्डवर्क। तो लोगों की अब मान्यता इसकी मजबूत हो गई है, लोग मजबूती से मानने लगे हैं कि डिलीजेंस इज द मदर ऑफ लक, गुड लक। हार्ड वर्क से ही गुड लक पैदा होता है। अच्छा भाग्य कैसे आता है? हार्ड वर्क से, डिलीजेंस से। डिलीजेंस मतलब हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क से ही अच्छा भाग्य बनता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट
अ मैन्स सक्सेस इन लाइफ विल बी, ये क्या लिखा, प्रोपोर्शनेट टू हिज एफर्ट टू हिज इंडस्ट्री। आदमी की सफलता कहाँ डिपेंड करती है, उसका जो अनुपात, जितना वो मेहनत लगाएगा, जितना हार्डवर्क करेगा, उतनी ही उसी के अनुपात में उसको सफलता मिलेगी। विल बी प्रोपोर्शनेट टू, मतलब के अनुपात में, उसकी सफलता का अनुपात किससे निर्धारित होगा, उसका एफर्ट से, उसके प्रयासों से ही उसको सफलता मिलेगी। जितना प्रयास, बोलते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना प्रयास अधिक करेंगे उतना ही सफलता आपको अधिक मिलेगी। टू हिज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री माने, इंडस्ट्री का मतलब होता है जो आपने अपना गोल रखा है, जो लक्ष्य रखा है, उसकी उसकी तरफ आपके जितने अच्छे प्रयास होंगे उसकी तरफ उतना ही आपका सफलता के मिलने के चांसेस ज्यादा है। टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स, और वो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए उसको, कि कोई छोटी मोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। जो अपने लक्ष्य की तरफ वो जा रहा है तो इसको अटेंटिव होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमसे छोटी मोटी भी गलती ना हो। अब ये आपने रीड कर लिया एक बार, आपको समझ में आ गया इसका थीम, फिर दोबारा से आपको चाहे तो फिर पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहां आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मतलब इन जो स्टेटमेंट दिए हैं नीचे, फॉलोइंग स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट है, इसमें से चार स्टेटमेंट में से कौन सा इसका पैसेज का मीनिंग समझा रहा है। ये जो फोर ऑप्शन है स्टेटमेंट है, इनमें से किस वाले स्टेटमेंट में इसका मीनिंग छिपा हुआ है, इसका अर्थ छुपा हुआ है, इसका मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट है, लक वेट्स विदाउट एग्जर्शन बट लेबर एग्जर्ट्स विदाउट वेटिंग। लक जो है वो वेट करता है विदाउट एग्जर्शन, मतलब बिना किसी मेहनत के प्रयास के वो वेट करता रहता है, बट लेबर एग्जर्ट्स विदाउट वेटिंग, लेबर हमेशा वेटिंग, बिना इंतजार किए लेबर वाला आदमी लगा रहता है, वो ज्यादा इंतजार नहीं करता। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, लक वेट्स एंड कंप्लेन्स, लक हमेशा वेट करता है और कंप्लेन करता है, शिकायत करता रहता है, विदाउट वर्किंग, बिना काम किए, वाइल लेबर अचीव सक्सेस ऑल्दो इट कंप्लेन्स, लेकिन लेबर जो मेहनत वाला है वो सफलता हासिल करता है बिना शिकायत किए हुए। देन है, लक इज सेल्फ इंडलजेंट, लक सेल्फ इंडलजेंट होता है बट लेबर इज सेल्फलेस, लेकिन लेबर कैसा होता है, वो सेल्फलेस होता है, वो अपनी चिंता नहीं करता, वो अपने आराम की चिंता नहीं करता। लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर, यह है लेबर प्रोड्यूसेस लक। तो इसमें अगर देखा जाए तो सारे सही लग रहे हैं, है ना, लेकिन मोस्ट सुटेबल कौन सा है जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग बता रहा हो, ठीक है। तो लक सेज एन अमेरिकन राइटर इज एवर वेटिंग एंड समथिंग टू टर्न अप। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला है, ये सही है, लक हमेशा वेट करता है, लिखा ना, लक ऑलवेज वेटिंग, एवर वेटिंग फॉर समथिंग टू। तो लक वेट करता है विदाउट एग्जर्शन बट लेबर एग्जर्ट विदाउट वेटिंग, लेकिन लेबर कीम रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही है इसमें, ये वाला फर्स्ट पैरा में देखोगे, एवर वेटिंग, वेटिंग से समझ सकते हो, वेटिंग देखो यहां दिया है ना, विदाउट एग्जर्शन बट लेबर एग्जर्ट विदाउट वेटिंग। तो ये जो मैसेज है इस वाली लाइन में, ये फर्स्ट सेंटेंस में इसका मैसेज एकदम क्लियर है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इसी ढंग से और भी हैं क्वेश्चन जो भी मैं आपको सिखाता हूं, तो इसको सीखिए। और इसके ये जो पैराग्राफ है ना, इसके एक प्रैक्टिस नहीं करनी, इसके 4-5 एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपके इसके नंबर आपको अच्छे हो जाए। तो इसको डेली पढ़ना है, डेली सीखना है, ठीक है ना, विदाउट एनी ब्रेक। पर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो ये आपको करना है, डेली क्लास अटेंड करनी है,
डेली वॉच करनी है क्लास और सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।